अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमारा कुछ दिनों से प्रोग्राम चल रहा है, जो चराई के चीज़ें जो हम लोग भ्रमण करते हैं वो, तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो नागर मोथा वो लेके आया हूँ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं नागर मोथा। ये नागर मोथा मेरे पास, ठीक है, जो मुझे मिला है। आपने आग जो है बिल्कुल स्लो रख रही है, जो नए सीखने वाले दोस्त, कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर आप ये डाल देना फौरन, और चम्मच ले लें, उसके साथ आपने इसकी जो है वो बुनाई करनी है। इसकी तासीर जो है वो खुश्क गर्म, और ये खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आप दोस्तों को पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछे, कोई सवाल करे यार ये नागर मोथा क्या है, तो आप उसको बता सकें यार ये खुश्क गर्म है और खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है। और पिछला वीडियो जो था वो आपके लिए मैं लेके आया था विर्च का, वो उसकी तासीर खुश्क गर्म थी, बदमज़ा सी बूटी थी वो, ठीक है। तो चारे के अंदर वो कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको, कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बाल छड़ वगैरह जो ऐड होते हैं चारे के, उनकी खुशबू वो ख़त्म कर देता है, ठीक है। उसका ये था, और इसका ये जो है मैं लेके आया आपके लिए नागर मोथा। ये आप देख लें, इसकी बुनाई ऐसे करनी है आपने, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 10 से 11 मिनट 9 मिनट जितने आप लगाएं, पर आग आपने तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि ये जल गया तो आपकी सारी मेहनत, जब आप इसके अंदर चारे के अंदर जितनी चीज़ें आप डालेंगे तो वो सारी बह आ जाएंगी। अभी मेरे साथ चौधरी वाजिद भाई मौजूद हैं, माशाल्लाह हमारे बड़े प्यारे दोस्त, बचपन से इनका साथ है हमारे साथ, बड़े प्यारे दोस्त। अभी ये शिकार इन्होंने शुरू किया है, तो मैंने कहा चले आए यार बाकी दोस्तों के लिए वीडियो बनाते हैं, साथ गप शप लगाएंगे, साथ चले दोस्तों को कुछ सिखाएंगे। तो ये हमारा चारा है, तो चारा भी देख लें आप, ये बादियान के फूल दिखाएं, दारचीनी, बाबा खानदान, क्रप्स अजमोद, अजवाइन की शक्ल का है, इसको तुख में क्रप्स भी बोलते हैं, और क्रप्स अजमोद और बाल क्रप्स और क्रप्स का नाम है इसके साथ। ये अकर कड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जैफल है, बहुत गर्म होता है। बाल छड़, ये काले मुझे मिले, गोल्डन नहीं मिले, तो गोल्डन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये आगे जो है नाकेसर है, ठीक है। हिंदू भाई चारा जो है हमारा, हिंदू भाई जो है वो पूजा में इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है, हिंदू दोस्त जो है। ये आगे है रेवड़ चीनी, ये बहुत से दोस्तों ने शायद जो नए उन्होंने ना देखी हो, ये रेवड़ चीनी है। आगे ये पान जड़ है, इसको कुलंजान भी बोलते हैं, पान जड़ भी बोलते हैं, और भी दो तीन नाम है इसके। ये कपूर कचरी है, हमने अभी ग्रोन की है, तो ये तो पता ही आपको चारे की ऐड है। तो आगे ये सफ़ेद जीरा, ये भी मैं अभी ग्रोन करके आता हूँ, ग्रोन किया इसको। आगे ये विर्च है, देख लें आप, इसकी भी बुनाई की है। अब नागर मोथे का नंबर है, इसकी बुनाई हम लोग कर रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होते जा रहे हैं, तो वक्फे वक्फे से हम आपके लिए लेते आएंगे ताकि आप लोग देखें। ये नुस्खा मेरा जो मैं खेलता हूँ, खेलूँगा इंशाल्लाह इसको, तो सब चीज़ें इसकी मुकम्मल करके, बुनाई इनकी करके, जो चीज़ें बुनाई वाली हैं। अब ये नुस्खा मैंने आपके साथ शेयर किया, बुनाई की जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो आप देख लें, सफ़ेद जीरा, विर्च, कपूर कचरी, बादियान के फूल, और ये नागर मोथा, ये चार से पाँच चीज़ें जो हैं वो ही सिर्फ आपने क्या इसको ब्राउन करना है, बाकी किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। तो जो दोस्त नए हैं जिनको नहीं पता वो भी देखें, अभी इसको हम क्योंकि बहुत लंबा छोड़ा इसको रोकते हैं, दरमियान में से फिर चलाएंगे इसको, ये देखेंगे मुकम्मल, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है नागर मोथा, इसकी बुनाई हम लोग कर रहे थे। तो वीडियो बहुत लंबी रहती है, इसलिए शॉर्ट थोड़ा सा करते हैं, रोकते हैं इसको, ताकि जो है वो ज़्यादा टाइम ना लें आपका। तो इस तरह इसकी बनाई होगी नागर मोथा, खुश्क गर्म, ये इसकी तासीर है, खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है ये, ये इसका फंक्शन है चारे के अंदर, बाकी मुझे नहीं पता इतना। बहुत से लोग वो सवाल करते हैं ये वो है, वो मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, बस जो चीज़ सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे इसकी बुनाई करनी है आपने, और तैयार करना है, इसे खुशबू अपनी उठाई हुई है, खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल तैयार है, ये रेडी है। तो इसलिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि आप दोस्त कुछ सीखें, और हमारा भी जो है चैनल है उसको सपोर्ट करें, आगे शेयर करें दोस्तों के साथ,
तो ताकि हमारी जो मेहनत है पता चले कि आप लोग हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाकी ये प्यार आप दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह लेके आएंगे बहुत जल्द। तो बाकी किराए वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है, बनाई का तरीका बता दिया है। बाकी सब दोस्त बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि आप इसका हमारे चैनल सपोर्ट करेंगे और आगे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि हम आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियो जो इतनी मेहनत करते हैं वो लेके आएँ। तो दो में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।